हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो हम लोग सीखेंगे कि मेल एंड फीमेल फेस के स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इजी मॉडिफिकेशन करने से हम लोग अपने स्केच का ओवरऑल लुक बदल सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो हम लोग मेल फेस से स्टार्ट करेंगे। आप एक सर्किल बना लेते हैं और कोशिश करिए कि एकदम लाइट बनाए अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन को। सर्किल बना लेने के बाद हम लोग सर्किल को हाफ डिवाइड करेंगे वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों तरफ से, एक तरफ वर्टिकली और एक तरफ हॉरिजेंटली। फिर हाफ सर्किल का मेजरमेंट लेके हम लोग उसी को नीचे ड्रॉ कर देंगे, चिन लाइन को अपनी। ये हम लोग ने अपनी चिन लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद हम लोग जॉ लाइन और चिन को बना लेंगे नीचे की तरफ। ये हम लोग की जॉ लाइन और चिन बन चुकी है। अब यह हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग रफ कर लेंगे और पूरे फेस को मेजर करके उसको हाफ में डिवाइड कर लेंगे। हाफ में डिवाइड करने के बाद हम लोग ऊपर भी उसको हाफ में डिवाइड करेंगे और फिर से उसको हाफ में डिवाइड कर लेंगे। अब हम लोग नीचे की तरफ भी सेम चीज़ करेंगे, इसको हाफ में दो टाइम्स डिवाइड कर लेंगे दोनों तरफ से। ये हम लोग की आइज़ की लाइन हो गई, नोज़ की लाइन हो गई, लिप्स की लाइन हो गई और ऊपर हम लोग के हेयर्स की लाइन हो गई। अब इसके बाद हम लोग फेस को पूरा हाफ वर्टिकली डिवाइड कर लेंगे। स्केल की मदद से मैं इसको हाफ डिवाइड कर रहा हूँ। अब ये हम लोग का पूरा हाफ डिवाइड हो गया है। अब इसके बाद ये जो सर्किल के अंदर लाइन आ रही है इसको इरेज कर देता हूँ ताकि जो है आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। ये इरेज कर दिए मैंने। अब जो हम लोग की आइज़ की लाइन है उसको अब हम लोग को 5 टाइम इक्वली डिवाइड करना है। तो मैं इसको 5 टाइम इक्वली डिवाइड कर लेता हूँ। 1, 2, 3, 4। आप लोग अपनी पेंसिल के थ्रू मेजर कर सकते हैं कि कैसे इसको डिवाइड करें इक्वली। अभी हम लोग का ये 5 टाइम डिवाइड हो चुका है। अब इन्हीं डिवीज़न के अंदर हम लोग अपनी आइज़ को बना लेंगे। मैंने थोड़ा वीडियो को फास्ट कर रखा है ताकि आप लोग को जो है टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और वीडियो उसकी वजह से बहुत लंबी भी हो जाती है। तो आप लोग आइज़ की प्रैक्टिस करते रहिए, उसका भी मैं आगे ट्यूटोरियल डालता रहूँगा। तो मैंने ये आइज़ बना दी हैं। अब आइज़ बनाने के बाद मैं इसकी थोड़ी मोटी सी आईब्रोज़ बनाऊंगा, क्योंकि ये एक मेल फेस है। फीमेल फेस में थोड़ी पतली आईब्रोज़ होती हैं फीमेल्स की, तो मेल फेस के लिए हम लोग इसकी थोड़ी मोटी आईब्रोज़ बनाएंगे। अब इसकी नोज़ बनाते हैं। नोज़ बनाने के लिए मैं आइज़ के जो एंड्स हैं उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हम लोग को ये पता चल सके कि कितने एरिया में हम लोग की नोज़ आएगी, वरना नोज़ बहुत ही चौड़ी लगने लगेगी, अजीब सी लगने लगेगी। इसलिए मैं ये लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि नोज़ कितने एरिया में आनी है। ये बॉर्डर लाइन्स है एक तरीके से। अब इसके अंदर की नोज़ ड्रॉ कर लेते हैं। नोज़ के लिए मैं आगे भी ट्यूटोरियल डाल दूंगा ताकि आप लोग को पता चल सके कि इजीली नोज़ कैसे बना सकते हैं। आपने देखा कि मैंने जैसे लाइन के बीच में एक सर्किल बनाया और फिर उसी की मदद से उसके नोस्टिल्स बना के नोज़ बना दी। तो आगे की वीडियोज़ में मैं नोज़ का ट्यूटोरियल भी कवर कर दूंगा। तो लिप्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं नोज़ के नीचे से एक ट्रायंगल बना लेता हूँ जो कि नीचे की तरफ है, ताकि हम लोग के लिप्स जो है एकदम सही जगह पे आए। ये ट्रायंगल बनाने के बाद आइज़ का जो सेंटर है उससे हम लोग एक एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, जिससे हम लोग के माउथ का बॉर्डर आएगा, जिससे कि वो बाहर नहीं निकलेंगे, अजीब से नहीं लगेंगे। अब लिप्स को हम लोग नोज़ के थोड़े फेयर डिस्टेंस से ड्रॉ करेंगे और कोशिश करेंगे कि लिप्स को जो है बाउंड्रीज के बाहर ना जाने दें। अब इसके बाद हम लोग माउथ ओपनिंग बनाएंगे। ये हम लोग की माउथ ओपनिंग हो गई। ट्रायंगल की मदद से आप देख सकते हैं कि मैं आराम से जो हूँ लिप्स को कर दिए दे रहा हूँ, जिसकी वजह से उसका पोर्शन पता चल रहा है अच्छे से। अब उसके बाद लोअर लिप बनाएंगे। लोअर लिप जो है ट्रायंगल जहाँ पे है उतने ही एरिया में बनेगा, फिर वहाँ से ऊपर की तरफ वो लिप्स में जॉइंट हो जाएगा। मैं लाइंस को इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। हेयर्स को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी साइड और साइड बर्थ को हम लोग बना लेंगे। हेयर्स के अपर पोर्शन को मैं ज़्यादातर जो है इन दोनों लाइंस के बीच में ही बनाता हूँ। अब दूसरी साइड भी हेयर्स की साइड और साइड बर्थ को बना लेते हैं।
बॉयज़ की हेयरलाइन ज़्यादातर बहुत एंगुलर और वेल डिफाइंड होती है। अब हम लोग इसको कूल ट्रेंडी हेयर स्टाइल देंगे जिससे थोड़ा कूल दिखेगा। अब हम लोग इसके ईयर्स बना लेते हैं जो कि इसकी आई लाइन और नोज लाइन के बीच में ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग इसको थोड़ी चिजल जॉ लाइन दे देते हैं डिंपल चिन के साथ। जॉलाइन और चिन बनाने के बाद इसकी हम लोग नेक बना लेते हैं जो कि लिप्स की लाइन, लिप्स की लोअर लाइन होती है, वहीं से आपकी नेक भी स्टार्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सारी लाइनें ठीक से बना लें तो उसी की मदद से एक एक पार्ट्स जुड़ते चले जाते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लाइन्स को मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग एक साफ सुथरा फेस दिख सके और आप लोग समझ सके कि हर चीज़ एकदम ठीक पोजीशन पे आई है। अब इसको मैं थोड़ा बेसिक शेड्स वगैरह दे देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा ये अच्छा दिखने लगे, और मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि कैसे थोड़े से शेड से जो है ये एकदम अच्छा सा दिखने लगेगा। तो मेल फेस को बनाने के बाद, इसको थोड़ा बहुत शेड देने के बाद, अब हम लोग फीमेल फेस को स्टार्ट करते हैं। तो फीमेल फेस बनाने का भी सेम मेथड वही है। हम लोग पहले सर्किल बना लेंगे, उसको हाफ में डिवाइड कर लेंगे वर्टिकली और हॉरिजेंटली, फिर उसके बाद उसकी चेन बनाएंगे वैसे ही हाफ सर्किल का डायमीटर नाप के। अब बस जब फीमेल की हम लोग चेन बनाएंगे तो ये फीमेल की चेन जो होती है मेल चेन से थोड़ी थिन होती है, मतलब कि फीमेल्स को जो है ज़्यादातर यूजली पतला बनाया जाता है उनका फेस। तो मैंने यहाँ पे जो है फीमेल की जो जॉ लाइन और चिन है उसको थोड़ा पतला बनाया है। अब इसका भी फुल फेस को हाफ डिवाइड हम लोग कर लेंगे, और ऊपर से और नीचे से भी हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे टू टाइम्स जैसे हम लोग ने पीछे पहले करा था। अब यहाँ तक क्या आप देख सकते हैं सब चीज़ें सेम है जैसे कि हम लोग ने मेल फेस में ड्रॉ करी थी। अब इसके हम लोग आइज बना लेते हैं। अब ये फीमेल फेस है तो इसकी हम लोग थोड़ी कर्वी आईब्रोज बनाएंगे, जैसे कि मेल फेस में हम लोग ने थोड़ी मोटी आईब्रोज बनाई थी वैसे फीमेल्स की थोड़ी कर्व्ड आईब्रोज होती है, तो कर्व्ड आईब्रोज बनाएंगे इसमें हम लोग। अब नोज़ के लिए इसमें भी हम लोग जो है आइज के एंड से नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हम लोग अपनी नोज़ ड्रॉ कर सकें। फीमेल नोज़ ज़्यादातर नैरो होती है तो हम लोग इसको नैरो बनाएंगे। अब लिप्स को बनाने के लिए हम लोग आइज के सेंटर से जो है नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि लिप्स की बाउंड्रीज बन जाए। अब ये लिप्स की बाउंड्रीज बन गई, उसके बाद नोज़ के सेंटर से एक ट्राइंगल बनाएंगे ताकि अपनी लिप्स हम लोग बना सके। अब लिप्स को हम लोग वैसे ही बनाएंगे ट्रायंगल और बाउंड्रीज की मदद लेते हुए। फिर अब हम लोग माउथ ओपनिंग बना लेंगे, अब लोअर लिप बना लेंगे। माउथ ओपनिंग को थोड़ा डार्क कर देंगे। अब इसके बाद ईयर्स को बना लेते हैं। अब हेयरलाइन ड्रॉ करते हैं। फीमेल्स की हेयरलाइन सॉफ्टर और मोर स्मूथ होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैंस। तो अब एक स्मूथ लाइन बना लेते हैं हेड के टॉप पोर्शन में। इसका फोरहेड बनाने के लिए इसको राउंडेड शेप में बनाएंगे। अब इसके हेयर्स ड्रॉ कर लेते हैं। आप इसको अपनी पसंद के भी हेयर हेयर स्टाइल दे सकते हैं। मैं तो अभी थोड़ा जो है कर्वी टाइप का बना रहा हूँ जो आइस की तरफ आते हैं।
अब इसकी जॉ लाइन और चिन को थोड़ा कर्वी और नैरो बनाएंगे। इसकी भी कंस्ट्रक्शन लाइन को हम लोग इरेज कर लेते हैं ताकि आप लोग को एक साफ सुथरा फेस दिख सके। अब इसकी थोड़ी हम लोग नैरो नेक बनाएंगे। पहले हेयर्स की इसकी हेयर्स बना लेते हैं थोड़े से नीचे की तरफ और फिर इसकी थोड़ी नैरो नेक बना लेंगे। अभी हम लोग ने नेक भी बना ली है। तो अब जैसा हम लोग ने मेल फेस में करा था इसमें भी कर लेते हैं। इसको अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा शेड दे देते हैं ताकि थोड़ी अच्छी दिखने लगे। तो शेड दे देने के बाद आप लोग चाहे तो इसके फीचर्स में भी चेंजेस कर सकते हैं। चाहे तो पतली आंखें बना सकते हैं, थोड़े मोटे लिप्स और बना सकते हैं, थोड़ी लंबी नोज़ बना सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी कुछ अलग ही बनेगा। सेम फेस कभी नहीं बनेगा, जैसे मैंने अभी बनाया वैसा नहीं बनेगा, थोड़ा अलग ही बनेगा। लेकिन उससे घबराने कोई बात नहीं है। आप मेल फेस में बियर्ड भी ट्राई कर सकते हो, उसमें बियर्ड लगा सकते हो। मेल फेस में बियर्ड लगा सकते हैं और जैसे कि आप इस लड़की के हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। काफ़ी तरीके हैं फेस को चेंज करने के, तो आप लोग अपने हिसाब से ट्राई। तो वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको लगता है कि मैं आपका सब्सक्रिप्शन अर्न करता हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर आर्टिस्ट फ्रेंड्स। ऐसे ही मैं आपके लिए आगे भी ट्यूटोरियल बनाता रहूँगा क्योंकि हर एक एक्सप्रेशन और हर एक फीचर को एक उसका अलग ट्यूटोरियल चाहिए रहता है। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।